सिविल अस्पताल हटा में रोगी कल्याण समिति की बैठक में 2018 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए बैठक संपन्न की गई, जिसमें हटा नगर पालिका सीएमओ द्वारा अस्पताल का समतीकरण एवं नाली निर्माण का आश्वासन दिया गया। साथ ही एसपी को अस्पताल में चौकी बनवाने के लिए एक पत्र भी लिखा गया है एवं अस्पताल की दुकानों का किराया जमा करने को लेकर सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। एक माह के अंदर दुकान का किराया जमा किया जाए, अगर एक माह के अंदर जमा नहीं किया जाता है तो प्रकरण बनाकर तहसीलदार को सौंप दिया जाएगा, जिससे दुकान खाली करा ली जाएगी। जनपद सीईओ ब्रितेश जैन, विधायक पीएल, तहसीलदार अनिल श्रीवास्तव, सिविल अस्पताल बीएमओ डॉक्टर आरपी कोरी, सौरभ जैन आदि लोगों की उपस्थिति रही। इसमें प्राय सही सदस्य मौजूद रहे और माननीय विधायक महोदय जी की उपस्थिति में मीटिंग संपन्न हुई। उसमें अनेक निर्णय लिए गए, जैसे कि जो कर्मचारी आरकेएस हैं सभी का मानदेय 200 रुपये बढ़ाया जाए एवं अस्पताल में समतलीकरण एवं नाली निर्माण को लेकर सीओ नगर पालिका से निर्देश दिए गए माननीय विधायक जी के द्वारा, एवं विद्युत व्यवस्था, टीन शेड निर्माण एवं एनआरसी के सामने गार्डन के भी बिंदु रखे गए थे, जिसको लेकर बोला गया कि आरकेएस में फंड आएगा तो उसमें निर्माण उसमें किया जाएगा और विद्युत व्यवस्था का भी नवीनीकरण किया जाएगा। केएनएन न्यूज के लिए हटा से सचिन गौर की रिपोर्ट।